मनी एलियस मनीकांड, 15 मर्डर, 12 किडनैप, मटके का धंधा, ट्रैवल, इन सब जगहों का हफ्ता वसूली करना, उसका नाम सुनते ही कानपुर में जो राउडिज्म चल रहा है उसको धूल चटाने को। इसके पीछे मोस्ट पावरफुल नोटोरियस हैंड, उसको मार गिराना इतना आसान नहीं है। इन सब का एक बड़ा बाप है। वो कौन है सर? पुजारी भाई, ये बहुत बहुत चालाक है। वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, कब आता है, ये किसी को आज तक नहीं मालूम। उसको हम लोग हर जगह तलाश कर रहे हैं। वो कहीं एक जगह बैठकर सिर्फ फोन के जरिए वो करोड़ों का धंधा करता है। ऐसा क्रिटिकल केस को हैंडल करने के लिए ही मिस गंगा को स्पेशल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है। मिस गंगा, तुमको ये एरिया वो एरिया ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तुम्हारे सारे सीनियर्स तुम्हारे मदद के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि तुमको सीएम के तरफ से अपॉइंट किया गया है। तुम इस केस को सक्सेसफुल तरीके से हैंडल करोगी, ये सिर्फ मुझे ही नहीं हमारे पूरे डिपार्टमेंट को विश्वास है। थैंक यू सर, आपने जो विश्वास किया है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। ये कीड़े मकोड़े चाहे किसी भी बिल में घुसे हो, मैं उसे खोद कर निकाल कर उनके साथ पुजारी की भी चिता जलाऊंगी। My target is to kill that pujari. All the best. Thank you, sir. Bye, pujari bhai. ठीक है, मतलब की बात कर। Hey, Rafiq, तू अपनी जबान से मुकर गया है। 50 लाख अभी तक नहीं पहुंचा है। जुबान से पलटोगे, ये भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपुन ने जिससे भी वादा किया है वो अपुन ने जिंदगी में निभाए नहीं, समझा क्या? Hey, 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 Rafiq. भाई, पुजारी भाई। ए पुजारी, मंदिर में जाकर घंटी बजाने के बजाय तू वहाँ क्या कर रहा है? ए ए रफीक, हिम्मत है तो तमंचा लेकर सामने आबे। साले, मैं या तू आजमा कर देख ले। पुजारी के सामने ज्यादा मत बोल, काट डालूंगा जबान, काट डालूंगा। अरे रुक, रुकना, किधर जाता है? अरे रुक रुक, अरे भागता किधर है? क्या बोतल है? अरे तुम बच्ची साहब, रुकिए साहब, रुकिए साहब, प्लीज मुझे बचाइए, लोगों से साहब मुझे बचा लीजिए। अरे साहब, क्या हुआ? पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो क्या? हम क्यों खेल खेलेंगे सर, इसने हमारे साथ क्या क्या किया आपको पता है? हम लोग हिंदुस्तान में पैदा होकर इंडिया में जीना मुश्किल हो गया है हम सबका। तुम लोगों की यहाँ क्या इज्जत है ऐसा कहा? इसलिए इस धरती में पैदा होकर जीने के लिए भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं गवर्नमेंट में रजिस्टर करवा कर तुम लोगों की संस्था बना कर लोन के साथ साथ सब्सिडी करवा कर दूंगा। ऐसे कहकर हम सबसे 10,000 रुपया लेकर 10 महीना हो गया है सर, तब से ये फरार हो गया है। ए, क्या कह रहे हैं ये? हाँ, ऐसे लोगों का पुलिस स्टेशन में वर्कआउट नहीं होता। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। पब्लिक के जूते चप्पल ही इसका इलाज है। नहीं नहीं साहब, ये क्या कर रहा है? ए सेठ, घर में बच्चा नहीं दिख रहा है तो घबराहट हो रही है क्या? डोंट वरी सेठ, तुम्हारा बच्चा हमारे पास सेफ है। उसी सेफ्टी के साथ बच्चे को वापस लेने के लिए तू मुझे 25 लाख रुपए लाकर देगा। तब जाकर तेरा बेटा तेरे पास सेफ्टी के साथ पहुंच जाएगा। अगर तूने पैसा नहीं दिया तो वो वापस तो आएगा, लेकिन जिंदा नहीं, मरा हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मुझे मेरा बच्चा चाहिए भाई, तुझे जो चाहिए मिल जाएगा। ए सेठ, पुलिस के पास जाने का अंजाम जानता है ना, समझ गया ना? मनी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसे कुछ मत करना, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल सुबह 10 बजे फॉरेस्ट के पास बाल ब्रिज के पास आ जाना। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है भाई। ए शूट कर दूं क्या? नहीं। तेरा बाप आएगा ना? ए सेठ, पैसा लाया है ना? हाँ लाया भाई। है ना, मेरे बेटे को छोड़ दो भाई, बेटे को छोड़ दो। आ आ बेटा, आ जा। हैंडसम,
पसीना बहा कर दो पैसा कमाने में तुम लोगों को क्या तकलीफ है? हराम की कमाई खा रहे हो हराम खोरो। 25 लाख चाहिए तुम लोगों को, ये लो। वजन में 3 किलो मांस नहीं है और किडनैप करने चले हो? हाँ, किडनैप करने। पूजा, ए पूजा, देखो कौन आया है, मेरे बेटे के साथ पैसा भी आया है। पूजा, पूजा, अरे पूजा को क्या हुआ? अरे पूजा, अरे पूजा, वेलकम सेठ, वेलकम। भैया बच्चे के साथ पैसा भी सेफ हो गया क्या? नो चांस। भैया आप इधर। भैया मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। गलती करने वालों को भगवान सिर्फ एक बार माफ करता है, लेकिन ये मनी कभी माफ नहीं करता। डबल कलेजा रखने वाला ये मनी के साथ डबल गेम। हाँ, तेरे जैसे कितने लोगों को मैं देख चुका हूँ। नहीं नहीं भाई, तुझे कितना पैसा चाहिए बताओ, मैं उतना दे दूंगा भाई, मुझे माफ कर दो भैया। जो कटोरा लेकर आते हैं वो चिंदी चोरी करते हैं, ऐसा मैंने सुना था और आज देख भी लिया। अब तेरा क्या करना है तू बोल। नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे माफ कर दो भैया, भैया, भैया। What a beautiful house, ब्याज के पैसों से बनाया है ना? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। क्या बात है, यहाँ का फर्नीचर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या फायदा, सुख पाने के लिए तुम जिंदा नहीं रह पाओगे ना। पुलिस के पास जाकर तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे धोखा दिया है तूने। लो उसी पुलिस को फोन लगाओ तुम्हें आकर बचाने के लिए। लो। यस सर, सर्च कर रही हूँ। ओके सर, थैंक यू। हेलो, कौन? मनी, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मनी। मेरे लड़कों को छोड़ दो वरना। नहीं छोड़ूंगी तो क्या कर लेगा? सुन, यहाँ पर चुपचाप कोने में दुम दबाकर बैठ जाओ तो अच्छा होगा, नहीं तो एनकाउंटर करके तेरी तस्वीर पर माला चढ़ा दूंगी। चुपचाप फोन रख। डीसीपी, आवाज नीचे और कम ही बोलो, अगर मनी की सटक गई ना तो तेरा मर्डर हो जाएगा। ए इडियट, तुमने जिस आदमी को बचाया है मैं उसकी यहाँ पर बलि चढ़ा रहा हूँ, हिम्मत है तो आकर बचा लो उसे। शिट। ए सेठ, जिंदगी के साथ मौत का भी साया होता है, ये तुम्हें नहीं पता था? आई एम सॉरी, जो मेरे साथ डबल गेम करता है मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा। डबल गेम करता है, डबल गेम। दीदी दीदी, 1 रुपया दो ना। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? काव्या। ऐसे भीख मत मांगो। ठीक है दीदी। ए चलो भाई, कहाँ डरते हो, मैं हूँ ना, चल अंदर, चल चल अंदर चल, क्यों डरता है, चल ना। ये क्या, आज भी फिर पीकर आ गए तुम? हाँ, घर में एक दाना खाने के लिए नहीं, तुम्हें पता नहीं है? अरे पता है बाबा, इसीलिए तो इन लोगों को लेके आया। क्या है, कौन है ये लोग? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तूने अंदर लेके जा। मैं इनको अंदर लेकर क्यों जाऊं? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, इन लोगों को अंदर लेके जा। ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो, तुम क्या आंखों से अंधे हो? मैं इनको अंदर क्यों लेकर जाऊं? वो इसलिए कि मैंने इन लोगों से पैसा लिया है, पैसा पैसा। तुम्हारी जिंदगी पर लानत है, मर्द होकर इस तरह की बातें करते हो, शर्म नहीं आती? इज्जत से इनको यहाँ से लेकर चले जाओ, थू तेरी मर्दानगी पर। ऐसे कैसे चले जाए, काम पूरा करके जाएंगे, चल ना उसे बुला, बुला ना, बुला। क्या है, क्या है ये, क्यों इन्हें अंदर लेकर आए हो? पैसा, पैसा दिया हमने। भाई साहब, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाइए भाई। क्यों चले जाएं? तेरे पति पीने के लिए हमसे 5,000 रुपए लिए हैं।
वो कौन चुकाएगा? वो तो नहीं देगा, तू ही आजा, आजा मेरी बुलबुल, आजा मेरी रानी, आजा आजा। ये देख, एक कदम भी आगे अगर बढ़ाया तूने, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तेरे घर में माँ बहन नहीं है, निकल यहाँ से, मार दूंगी। पापी, इज्जत से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों की लाश यहाँ पे गिरा दूंगी। वैसे ला, भड़ुए की औलाद, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अरे पापन, 5,000 रुपया था ना, तुमने उसे भी गवा दिया। जो हाथ में आया उनको भी मुंह तक पहुंचने नहीं दिया। ये लो बेटा। ओ सन गॉड, मून गॉड, अर्थ गॉड, तुम तीनों ही ओरिजिनल भगवान हो। तुम तीनों को मानकर मैंने गाड़ी खरीदी है, आशीर्वाद दो भगवान। और ग्राहक देवता, आप ही मेरे परम पूज्य देवता हो, आप इस गाड़ी को आशीर्वाद दो, बस आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। नजर उतार लो, नजर उतार लो। नजर उतारने का धागा बंधवा कर बुरी नजर से बचो। गाड़ी के सेंटर में एक एसी बैठा दिया तो कूल हो जाएगा, गाड़ी भी सेफ और मैं भी सेफ। यस, नई गाड़ी है तुम्हारी? यस, My own vehicle. ड्राइवर कौन है जी? इस न्यू व्हीकल का ओनर और ड्राइवर मैं ही हूँ, और ये है मेरा आगेकारी क्लीनर। नमस्कार मैडम। खुशी की बात है जी, खुशी की बात है। तुम्हारे हर कदम पर कामयाबी आसमान छुए। अपनी कामयाबी के लिए ये गणपति की तस्वीर इस गाड़ी में लगा दो। गणपति का फोटो, प्रेटी गर्ल, इसे रखो। तुम्हारी छोटी सी बॉडी का कोई नाम है क्या? मेरा नाम सुंदरी है। जरा यू टर्न ले लो। I'm sorry, सुंदरी, मुझे भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन भगवान का फोटो इस गाड़ी पर लगाने से कामयाबी मिलेगी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। मेहरबानी करके तुम्हारी छोटी सी बॉडी को मेरी गाड़ी से दूर रखो, समझ में आया? सुंदरी हटो यहाँ से। ए, रास्ता साफ करो, मैं जल्दी में हूँ, समझ में आया? ए, रुक 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 रुक। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? तुम्हारे जैसे कहने वाले लोग मैंने कई देखे हैं। तेरे आगे क्या होगा, मैं जिंदा रही तो जरूर देखूंगी। ए छमिया, मेरे इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी तो तेरी बुलडोजर जैसी बॉडी से टकराने से होगा, समझ में आया? चल निकल यहाँ से। ए, रुकना, ए, 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 रुकना। ए, मनी कहाँ है बता, बता। नहीं बताओगे तो जान से मार दूंगी। एनसीबी, तू कितना भी मार ले तो इस जन्म में मनी से कभी नहीं मिल पाएगी। ऑफिसर्स, इसे कुछ भी खाने पीने मत देना, भूखा ही मरने देना।